आज उदयपुर संभाग के अंदर राजपूत आरक्षण मंच के द्वारा राजपूतों के जो जिस पेड़ को राजपूतों ने बीजेपी को सोचा था उसके बारे में आज हमेशा राजपूतों को धोखा देती रही है ये पार्टी, उसी के विरोध में आज यहाँ पे राजपूत आरक्षण मंच के द्वारा और राजपूत मेवाड़ और मारवाड़ महासभा के द्वारा आज यहाँ पे पैदल मार्च निकाला जाएगा और पैदल मार्च निकाल के इस बीजेपी की सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये यात्राएं आप निकाल रहे हो अगर राजपूत समाज के साथ आप ऐसा ही धोखा करते रहे तो राजपूत समाज आपकी बार कमल का फूल वो पूरी तरह से दोहराएगा और राजपूत समाज हमेशा आप जो हमेशा से आपका जो साथ देता रहा इस बार खुल के विरोध करेगा और सड़कों पर राजपूत समाज उतर चुका है, इसकी पूर्णतः भुगतान राजपूत बीजेपी सरकार को झेलनी पड़ेगी आने वाले समय में। अब इस समय सिर्फ चुनाव के बहुत कम समय रह गया है, इसके अंदर सोच समझ के सरकार को फैसला लेना चाहिए, अभी भी वक्त है, नहीं तो ये जो आपकी यात्राएं हैं ये जगह जगह इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा और राजपूत समाज को ये सड़कों पर उतर चुका है और इसका पूर्ण विरोध का नुकसान भी बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। राजपूत समाज एकता जिंदाबाद, कमल का फूल हमारी भूल, ये शुरुआत आज हम यहाँ पे उदयपुर संभाग से कर रहे हैं और ये पूरे राजस्थान के हर कोने कोने में जहाँ भी वसुंधरा मैडम की जहाँ भी ये जाएगी रैली जाएगी जहाँ भी ये यात्रा जाएगी उसका पूर्णतः विरोध राजपूत समाज खुल के सड़कों पर उसका करेगा। आज राजपूत ओबीसी आरक्षण मंच के जो वसुंधरा राजे यहाँ से स्वराज्य यात्रा के नाम स्वराज संकल्प यात्रा की कल करने जा रही है उसके विरोध में राजपूत ओबीसी आरक्षण राजस्थान इसका विरोध करने के लिए सारे उदयपुर संभाग के राजक्षत्रिय इकट्ठे हुए हैं, वह इनका विरोध जता के ये बताना चाहते हैं कि हमारे को ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी आरक्षण में जो भी पूर्ण करती हैं चाहे वो आर्थिक रूप से हो सामाजिक रूप से हो ओबीसी आरक्षण में हम अभी भी ओबीसी आरक्षण में भरतपुर और धौलपुर के राजा महाराजाओं को ओबीसी में आरक्षण दिया जा सकता है तो राजपूतों को आरक्षण क्यों नहीं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम वोट है वो सोच समझ कर और इस बीजेपी के विरुद्ध में मतलब नहीं करने पे पक्ष में नहीं करने की कोशिश करेंगे। जो 4 तारीख को राजस्थान गौरव यात्रा शुरू करने जा रही है, हम महाराणा प्रताप की परम धरती पे हमने बुगल बजा दिया है कि हम हर जगह पूरे राजस्थान में जहाँ से यात्रा गुजरेगी हम उसका विरोध करेंगे और आज हम यहाँ पूरे संभाग से जो राजपूत इकट्ठे हुए हैं हम यहाँ पैदल मार्च करके ये दिखाना चाहते हैं कि राजपूत संगठित हो चुका है और ये ताकत दिखाएगा वोटों में, वोट नहीं तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की हमारा नारा रहेगा। और हमने कहा मुख्यमंत्री जी अभी भी आपके पास समय है, अगर आप सोच समझ करके अगर राजपूतों को आरक्षण दे सकती है तो अपनी सीट बचा सकती है, नहीं तो ये जाएगी। और हम ऐलान करते हैं कि अगर हमारा 9 सितंबर तक अगर हमारा कोई भी किसी ने घोषणा नहीं की तो आने वाले समय में हम और भी ज्यादा इकट्ठे होकर के उसका बहिष्कार करेंगे।